कोरिया विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक कांग्रेस नेत्री अंबिका सिंहदेव पर अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। कांग्रेस कार्यकर्ता ने दावा किया है कि थप्पड़ मारने की वजह हार से उनकी बौखलाहट है। उनका कहना है कि पूर्व विधायक अंबिका सिंहदेव ने बिना वजह उसको रोककर थप्पड़ जड़ दिया, जिसके कारण कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई है। युवकों ने विधायक पर थप्पड़ मारने और धमकी देने का आरोप लगाया है। युवक का कहना है कि विधायक ने उसे सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट लिखने की बात कहते थप्पड़ मारी है और धमकी भी दी है। पीड़ित की ओर से विधायक के खिलाफ सिटी कोतवाली बैकुंठपुर में शिकायत दर्ज की गई है। विधायक के कांग्रेस कार्यकर्ता को थप्पड़ मारने की बात जैसे जैसे लोगों को पता चल रही है, मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित युवक की ओर से विधायक के खिलाफ सिटी कोतवाली बैकुंठपुर में शिकायत की गई है। विधायक के कांग्रेस कार्यकर्ता को थप्पड़ मारने की बात जैसे जैसे लोगों को पता चल रही है, मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित युवक का नाम किशन बताया जा रहा है। किशन का कहना है कि विधायक ने खास जाति को चिन्हित कर अमर्यादित शब्द भी कहे हैं। हम लोग गाड़ी में जैसे उतरे, मतलब हम लोग गाड़ी कम से कम 70 मीटर ओवरटेक किया गया। मैं आलोक भैया दोनों थे, आलोक भैया गाड़ी चला रहे थे, मैं पीछे बैठा था। तो ओवरटेक हुआ तो हम लोग हाथ दिया गया रोकने के लिए, तो हम लोग रोके। उसके बाद विधायक मैडम डायरेक्ट आई हैं, उनके साथ किए थे उनके, और उनके ड्राइवर थे और कोई था जिनको मैं जानता नहीं। वो आए और डायरेक्ट मेरा कॉलर पकड़े, मेरे गाल पे तमाचा लगाए और मतलब कान पकड़ने टाइप में बोले कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम ये सब मेरे बारे में फेसबुक में क्यों लिखते हो, तुम मेरा विरोध क्यों करते हो, मेरे कोलकाता भेजने के लिए क्यों लिखते हो। तो मैंने बोला कि ऐसा मैं कहीं पे लिखा ना, जहाँ पे लिखा हूँ मेरे को प्रूफ दिखाइए। ऐसे बोले मैं प्रूफ लेके नहीं घूमती। उसके बाद बोले कि मैं अभी तो विधायक हूँ नहीं, जब तक विधायक थी तब तक मैं मर्यादा रखती थी, अब तो मैं विधायक नहीं हूँ, यहीं पे खान के गाड़ दूँगी। उसके बाद मैं बोला बताइए तो हुआ क्या है, तो ऐसा कुछ नहीं बोली। तब तो उनके पिए बोलते हैं रहने दीजिए दीदी, मैं इनके लिए काफ़ी हूँ। बगल में आलोक भैया थे, वो भी साथ में फिर मेरे को पीछे किए, दोनों फिर बैठे, फिर दोनों निकल गए। फिर जाते जाते बोली कि जिनके दम पे उड़ते हो ना, अपने नेता के दम पे, सबको मैं देख लूँगी, सबका लिस्ट बन चुका है। तो वो नेता कौन है? नेता जिनके साथ मैं रहता हूँ, अब तो बोल नहीं सकता, लेकिन मैं हमेशा तिवारी जी वेदांती महाराज के साथ रहता हूँ, उन्हीं के साथ रहता था, मैं उन्हीं के साथ हमेशा रहता ही हूँ। और उसके बाद जाते जाते मतलब ऐसा बोली कि मतलब सामाजिक तौर पर जैसे लगा ब्राह्मणों को गाली देना, उस टाइप का लगा, इससे मेरे को ठेस पहुँचा, इसीलिए मैं समाज को बुलाया और मैं आज थाना में आवेदन देने आया हूँ।